बार्सिलोना नई सीजन का फर्स्ट एल क्लासिको 4-0 से जीत लिया है। इट वॉज इजी विन फॉर बार्सा। इस एल क्लासिको में जो सरप्राइजिंग चीज थी वो है बार्सा का ऑफसाइड ट्रैप। विनी जूनियर एम्बापे जैसे स्टार्स को बार्सा ने सिंपली ऑफसाइड ट्रैप से रोक दिया। रियल मैड्रिड वॉज ऑफसाइड 12 टाइम्स इन दिस मैच। इस सीजन बार्सा ने 15 मैचों में 99 टाइम्स अपोनेंट को ऑफसाइड किया है, विच इज हाईएस्ट इन यूरोप। बार्सा बहुत हाई लाइन से खेल रही है बाय रिस्किंग ऑल दे हैव। पहले तो ये लग रहा था कि बार्सा का ये ऑफसाइड ट्रैप बिग टीम्स के आगे काम नहीं करेगा, बट इवन रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिक और सेविला के अगेंस्ट दे डिड इट परफेक्टली। वही देखते हैं कि कैसे बार्सा इतनी हाई लाइन से अपोनेंट को ऑफसाइड कर रही है। बार्सा के इस टैक्टिकल प्लान को समझने से पहले ऑफसाइड रूल के बेसिक्स को जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एफए रूल, ए प्लेयर इज कंसिडर्ड टू बी ऑफसाइड इफ एनी पार्ट ऑफ देयर बॉडी एक्सक्लूडिंग हिज आर्म्स एंड हैंड्स आर इन द अपोनेंट हाफ ऑफ द पिच एंड क्लोजर टू द अपोनेंट गोल लाइन देन बोथ द बॉल एंड सेकंड टू लास्ट अपोनेंट। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट, कि प्लेयर अपोनेंट हाफ में ही ऑफसाइड होगा, अपने हाफ में वो ऑफसाइड नहीं होता है। अपने हाफ में चाहे उसके पीछे डिफेंडर्स हो या ना हो वो ऑफसाइड नहीं है। सेकंड, बॉल से पीछे प्लेयर ऑफसाइड नहीं होता है। अगर कोई भी डिफेंडर नहीं है और बॉल प्ले होने से पहले प्लेयर बॉल से पीछे है तो वो ऑफसाइड नहीं है। थर्ड, अगर वो बॉल से आगे है तो उसके पीछे दो डिफेंडर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग गोलकीपर। इस रूल में गोलकीपर को भी एज ए डिफेंडर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोलकीपर अपनी पोजिशन से आगे आ जाता है तो अब अटैकर ऑफसाइड है क्योंकि उसके पीछे दो अपोनेंट होने चाहिए। फाइनली, बॉडी पार्ट्स का भी इसमें रोल होता है। अगर प्लेयर का कोई बॉडी पार्ट जिसे वह स्कोर कर सकता है डिफेंडर से आगे है देन इट इज ऑफसाइड। फॉर एग्जाम्पल, टो, हेड, शोल्डर, बट आर्म्स एंड हैंड्स आगे होने से वो ऑफसाइड नहीं है। ऑफसाइड होना कोई फाउल नहीं है, प्लेयर ऑफसाइड रह सकता है, बट अगर प्लेयर ऑफसाइड है और टीममेट के पास करने पर वह गेम में इन्वॉल्व होता है तब वह ऑफसाइड दिया जाता है। अगर वह ऑफसाइड रहने पर भी गेम में इन्वॉल्व नहीं होता है तो फाउल नहीं दिया जाता है। बॉल प्ले करने से पहले अगर अटैकर लास्ट डिफेंडर से आगे है तो वह ऑफसाइड है, बट अगर वह बॉल प्ले होने के बाद मूव करता है तो वह ऑफसाइड नहीं होता है। इसीलिए ऑफसाइड का डिसाइड होना बॉल के प्लेइंग मूवमेंट पर डिपेंड करता है। बॉल के प्ले करने पर स्ट्राइकर की पोजिशनिंग के अकॉर्डिंग ऑफसाइड दिया जाता है। अगर वो लास्ट डिफेंडर से आगे है और बॉल प्ले करने के बाद डिफेंडर से पीछे आता है तो भी वो ऑफसाइड है। बॉल टच करने से ही अटैकर ऑफसाइड नहीं होता है। इंस्टीट अटैकर कैसे भी गेम में इन्वॉल्व हो, अपोनेंट को बॉल पर जाने से ब्लॉक करना और अपोनेंट के विजन को ब्लॉक करना भी ऑफसाइड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीममेट गोल पर शॉट लेता है, बॉल रिलीज होने से पहले अगर स्ट्राइकर ऑफसाइड पोजीशन में है और वह बॉल को टच नहीं करता है बट वह गोलकीपर के बिल्कुल आगे है जिससे गोलकीपर की साइड ब्लॉक हो जाती है तो वह ऑफसाइड दिया जाता है। सिमिलरली, गोलकीपर के सेव करने पर वह अगर रिबाउंड पर स्कोर करता है तो भी वह ऑफसाइड होता है अगर वह शॉट लेने से पहले ही डिफेंडर से आगे हो। इसके साथ बॉल टीममेट से आनी चाहिए। अगर डिफेंडिंग टीम से कोई प्लेयर अटैकर को पास करता है तो वह ऑफसाइड नहीं माना जाएगा। इसके साथ एक्सेप्शंस में प्लेयर गोल किक, कॉर्नर किक और थ्रो इन में ऑफसाइड नहीं होता है। मीन्स कि गोल किक, कॉर्नर किक और थ्रो इन में प्लेयर कहीं भी हो तो वो ऑफसाइड नहीं होता है, बट फ्री किक में प्लेयर ऑफसाइड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस सिनेरियोस। रिमेंबर एम्बापे फ्रॉम एल क्लासिको, लीजेंड्स विल से दैट ही इज स्टिल ऑफसाइड। आइए देखते हैं कि बार्सिलोना कैसे अपोनेंट अटैकर्स को ऑफसाइड कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार्सा बहुत हाई लाइन से खेल रही है। बार्सा इन्वर्टेड डायगोनल लाइन यूज कर रही है। इसमें जिस साइड बॉल होती है उस साइड का सेंटर बैक लास्ट डिफेंडर रहता है और यही लास्ट डिफेंडर ऑफसाइड ट्रैप सेट करता है। बार्सा में इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबारसी दो सेंटर बैक हैं। जब उन्हें लगता है कि अपोनेंट प्लेयर पास करने वाला है तो बॉल रिलीज होने से पहले वो आगे मूव करते हैं। इसी टाइम स्ट्राइकर भी रन करता है जिससे वो सेंटर बैक से आगे निकल जाता है और बार्सा अपोनेंट को ऑफसाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल, इस क्लिप में देखिए, लेफ्ट फ्लैंक पर कमाविंगा के पास बॉल होने पर राइट सेंटर बैक पाउ कुबारसी लास्ट डिफेंडर है। जब कमाविंगा पास करता है तब बॉल रिलीज होने से पहले कुबारसी मूव्स फॉरवर्ड और एम्बापे के रन करने से वो ऑफसाइड हो जाता है। अगेन राइट फ्लैंक पर बॉल होने से लेफ्ट सेंटर बैक इनिगो मार्टिनेज लास्ट डिफेंडर है
और एम्बाप्पे के रन करने से वो फिर से ऑफसाइड हो जाता है। इस ट्रैप को सही एग्जीक्यूट करने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी है। फर्स्ट इज आई लाइन। आई लाइन होने से अपोनेंट मिडफील्डर्स को इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो परफेक्ट पास कर सके टू द राइट प्लेयर्स। बार्सा मिडफील्डर्स आई प्रेस करते हैं, वो अपोनेंट मिडफील्डर जल्दी किसी फॉरवर्ड के रन को ट्रैक कर पास कर देते हैं और इवेंचुअली वो फॉरवर्ड ऑफसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में अगर कमाविंगा को ज्यादा टाइम मिले तो एम्बाप्पे की जगह बेलिंगम को पास कर सकता था और बार्सा का ट्रैप ब्रेक हो जाता। सेकेंड थिंग इज कम्युनिकेशन। डिफेंडर्स के बीच हाई कम्युनिकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वे हाई लाइन के साथ सेंटर फॉरवर्ड को भी मार्क कर सके। अगर कम्युनिकेशन या मार्किंग में कन्फ्यूजन होती है तो ये ऑफसाइड ट्रैप फेल हो सकता है। एक और चीज़ जो इस ट्रैप को ब्रेक कर सकती है, दैट इज थर्ड मैन रन्स। अगर कोई मिडफील्डर डिफेंस लाइन के पीछे थर्ड मैन रन करे तो भी यह ट्रैप ब्रेक हो जाता है, क्योंकि सेंटर बैक्स का मेन फोकस सेंटर फॉरवर्ड पर होता है। तो आप क्या सोचते हैं बार्सा की ऑफसाइड ट्रैप के बारे में? कमेंट बिलो, व्यू लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।